मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। मुस्कुराने का अर्थ क्या है? जैसे तुमने कोई लड़की को देखा मुस्कुरा दिया तो दो थप्पड़ भी खाओगे। तो फिर शिकायत मत करना मेरे से कि गुरुदेव आपने कहा था मुस्कुराते रहो, दो थप्पड़ खाए। अरे चप्पल भी खा सकते हैं। हाँ, कहाँ मुस्कुराना, यह भी विवेक होना चाहिए। बर्तन मांजते समय मुस्कुराओ, खुश होकर काम करो। किचन में रोटी बनाओ, मुस्कुरा कर खुश होकर बनाओ। गुस्सा में नहीं, उलझ कर नहीं, जोश में नहीं, नाराजी में नहीं। झाड़ू लगाओ, मुस्कुरा कर लगाइए। स्नान कीजिए, मुस्कुराते हुए कीजिए। इतनी टेंशन क्यों लेते हो? इतना तनाव में क्यों रहते हो? ये संसार किसका है? किसी का नहीं। कौन इसको लेकर आया? कोई नहीं। लेकर कौन जाएगा? कोई नहीं। यहाँ मिलने वाला क्या है? कुछ भी नहीं। यहाँ खोने वाला क्या है? सब कुछ। पाया क्या यहाँ? मिट्टी का ढेर। हुआ क्या यहाँ? हम भी मिट्टी का ढेर हो गए। एक झटके में मौत हो गई, सब शून्य हो गया। अहंकार बहुत बड़ा था कि ये मेरा वो तेरा, सब बात खत्म हो गई। किसकी टेंशन, किसकी चिंता? जब तक सांस है तब तक आस है, तब तक विकास है, तब तक प्रयास है। सांस गई, सब गया। इसलिए स्नान भी करो, थोड़ा खुश होकर करो। और खुश रहने के लिए ये खुशियां मिलना कोई आसान नहीं। करोड़ों दे दो, खुशी नहीं मिलेगी। करोड़ों दे दो, पूरी धन जमीन लिख दो किसी को, तो भी खुशी नहीं दे सकता। और फ्री में खुशी मिलेगी, एक रुपया खर्च नहीं होगा। कहो तो आज बता दूं, कहो लास्ट दिन बता दूं। हैं? लोग सोचते फोकट मिल रहा तो हाजी ले लो। अभी मैं बोल देता 50-50 रुपया देना पड़ेगा, लोग बोलते लास्ट दिन बताना देखे। अरे मेतवाड़ा इलाके के लोग बहुत खिलाड़ी है, फ्री का माल तुरंत लाओ। सही बात है। मैं बताता हूं, बिल्कुल अनुभव गम्य बात बता रहा हूं। शास्त्र में लिखी हो न लिखी हो मेरे से मतलब नहीं। अनुभव गम्य बात मतलब जो सेम एक्सपीरियंस है मेरा। खुश वही रह सकता है जिसके मन में कोई गलत भावना नहीं होती। खुश वही रह सकता है जो गलती नहीं कर चुका है। जो गलती कल कर चुका है वो आज खुश नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी गलती उसके दिमाग में टंच मार रही है कि मैं किया तो हूं, कोई जानता नहीं है, लेकिन यदि कोई जान गया तो, मेरा नाम आ गया तो, मैं पकड़ गया तो, तो 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 तोता। ये डर, ये भय, ये संकोच उसको खुश नहीं होने देता है। खुशी बनाए रखने के लिए मन निर्मल हो। कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी साखी कही है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कबीर मन निर्मल भया। कबीर साहब का इसीलिए दुनिया लोहा मानती है। क्यों? क्योंकि उनकी बात बहुत वजन पड़ जाती है। जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर कहते जब तक तुम्हारा मन गंदा रहेगा तो तुम हरी के पीछे पीछे फिरोगे तो भी हरी नहीं मिलेगा। अगर मन निर्मल हो गया तो हरि की परवाह छोड़ दो, याद छोड़ दो, उसका ध्यान छोड़ दो, तो भी हरि तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा, क्योंकि निर्मल मन ही उसके रहने का स्थान है। और निर्मल मन बना लो तो वही रहेगा।